हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स का पार्ट नंबर 3। इस वीडियो में हम अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू सी आर्क्स इन अ ब्रिज? क्या आपने ब्रिज के नीचे आर्क देखी है? तो बच्चों, लुक दिस पिक्चर। तो जो पिक्चर में ये शेप बनी है, इसे आर्क्स कहते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क? और कहां पर आपने ऐसी आर्क बनी हुई देखी है? तो बच्चों, ऐसी आर्क हमने ब्रिज के नीचे भी देखी है, बनी हुई रिवर के पास भी देखी है, टेंपल में भी देखी है। तो आप यहां लिख सकते हैं स्पेशल आर्क इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। ओरछा की ये फोटो है। सी हाउ द आर्क इज मेड? देखो यहाँ आर्क कैसे बनाई गई है। लुक हियर, इट हैज अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। इसका एक बहुत अच्छा नाम है, घूंघट वाली मेहराब। द आर्क्स विद अ व्हील, एक आर्क जिसमें घूंघट लगा हो, इसीलिए इसका नाम घूंघट वाली मेहराब रखा गया है। इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल? यहाँ पर ये जो जाली लगी गई है, ऑफ कोर्स ये बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, ये बहुत थिन ब्रिक्स, पतली ब्रिक्स के से बनाई हुई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड, क्या आपने इस तरह की थिन ब्रिक्स देखी है? तो आप इनको देखें। जमाल एंड कालू द मेसन ऑफ जागृति स्कूल said that their grandfather used many different kind of bricks. जमाल और कालू जो जागृति स्कूल के मिस्त्री थे, वो बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर अलग अलग तरह की ब्रिक्स यूज करते थे। Some of these are shown in this photo, कुछ इस तरह की जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। देखिए इस पिक्चर में कुछ थिन है, कुछ बहुत ज्यादा लंबी है, और कुछ इस तरह की डिजाइन की बनी हुई है। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज? इनमें से कौन सी ब्रिक ऐसी है जिनके एजेस कर्व्ड है? तो वे ये है जिसके कर्व बने हुए हैं। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? जो सबसे लंबी ब्रिक है, उसके कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका एक ही फेस दिख रहा है, वो है ये ऊपर से। Then answer is one face. Is there any brick which has more than six faces? तो क्या कोई ऐसी ब्रिक होती है जिसमें सिक्स से ज्यादा फेस हो? तो सिक्स से ज्यादा फेस नहीं होते हैं बच्चों, तो आंसर इज नो। फाइंड आउट, पता करिए द साइज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का साइज। Have you seen bricks of different sizes? आपने अलग अलग sizes की bricks देखी होंगी। Take one brick, एक brick ले और उसे measure करें। How long is it? उसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 10 inches की brick की लंबाई होती है। How wide is it? तो width कितनी होती है? 4.5 inch की होती है। How height is it? हाइट कितनी होती है? हाइट की बात करेंगे तो वो होती है 3 inches की इसकी हाइट होती है। मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 meter लॉन्ग। जो मुनिया है वो 1 meter की लंबी वॉल बनाना चाहती है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? तो लगभग उसे कितनी ब्रिक्स पुट करनी पड़ेंगी एक लाइन में? तो बच्चों, 1 meter में लगभग 39-40 inches होते हैं, तो आई थिंक 4 bricks काफी होंगी। ब्रिक एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। गणेश और साहिबा ऐसे भट्टी के पास रहते हैं, यहाँ ब्रिक्स बनती हैं। तो बच्चों, आपने भट्टी देखी है, उसको किल्न कहते हैं, वहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं। कैन यू गेस How high is the chimney here? Is it? क्या आप बता सकते हैं कि इस चिमनी की कितनी हाइट होगी? 5 meter, 15 meter, 50 meter? तो ये काफी लंबी दिखाई दे रही है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट 50 meter होगी।
Ganesh and Sahiva love to look at the pattern of bricks in the long, long lines kept out of dry. गणेश और साहिबा को ब्रिक्स के पैटर्न देखना बहुत अच्छा लगता था, जो कि बाहर रखी हुई थी लंबी लंबी लाइंस में सूखने के लिए। They also match how bricks are made. उन्होंने यह भी देखा ब्रिक्स कैसे बनती हैं। Here are four pictures from the brick kiln. यहाँ चार फोटोस दी गई हैं ब्रिक किल्न की। These pictures are jumbled up. ये pictures आगे पीछे हो गई हैं। Look at them carefully. इसे ध्यान से देखें। Write the correct order. ध्यान से देखिए और बताइए इसका सही order क्या होगा। देखिए यहाँ मिट्टी को खोदा जा रहा है, तो पहला step ये है। उसके बाद इसे सांचे में रखा जाता है, तो इसका दूसरा step ये है। तो उसके बाद तीसरा स्टेप ऐसे रखा जाता है और फिर सूखने के लिए इसे लाइन में रखा जाता है ऐसे, और फिर इनको भट्टी में पकाया जाता है। तो हम यहाँ बताएंगे स्टेप्स CDVA, CDVA, ओके। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। सोयल से किस तरह ब्रिक बनाई जाती है? Look at the pictures and discuss in groups. इन पिक्चर्स को देखो और अपने आप में ग्रुप्स में डिस्कस करो। Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of brick kept there? क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ब्रिक्स रखी जाती हैं किल्न में? There are many many brick kilns in India. Thousands of them. हमारे इंडिया में बहुत किल्न्स हैं और बहुत हजारों में हैं। मोर देन 100,000 अप्रोक्सीमेटली उसमें 100,000 रखी जाती हैं। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड 1 लाख। क्या आपको पता है इस नंबर को, ये नंबर कितना बड़ा है? इस नंबर को 1 लाख भी बोलते हैं, 1 लाख भी बोलते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट इट? क्या तुम्हें ये इसको लिखने का ट्राई करोगे, कर सकते हो? आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अल्लाह। इसको इस तरह से लिखेंगे हम 100,000। दिस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, देन लैक। फाइंड आउट, लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। आप इस पिक्चर को देखो और बताओ, गेस करो कि एक ट्रक में कितने ब्रिक्स हो सकती हैं। आई थिंक लगभग 4,000 ब्रिक्स। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। आप ये ट्रक ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं कि वो अपने ट्रक में कितनी ब्रिक्स को कैरी करता है। मेंटल मैथ, भजन बाय ब्रिक्स। भजन ने ब्रिक्स खरीदी। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, द प्राइजेस वॉज गिवन फ्रॉम 1,000। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, भजन गया ब्रिक्स को खरीदने। The prices was given from 1,000। जब हम कोई भी ऐसी चीज लेने जाते हैं तो वो कोई एक ब्रिक का अमाउंट नहीं बताते हैं, वो 1,000 ब्रिक का अमाउंट बताते हैं, राइट? तो वो एक ब्रिक तो देंगे नहीं, तो वो 1,000 ब्रिक देंगे या 2,000 ब्रिक देंगे, इस तरह से वो उसका प्राइस भी बताते हैं। तो The prices were also different for different types of bricks. तो different types of bricks होती है, जैसे कुछ old bricks होती है, कुछ new bricks होती है, कुछ curve वाली bricks होती है, तो उनके different prices होते हैं, right? तो old bricks 1,000 की bricks जो 1,000 bricks जो मिलेंगी वो 1,200 की मिल जाएंगी। तो अगर आप new लेंगे इंटापुर से तो आपको 1,800 रुपीस की मिलेगी। अगर आप न्यू लेंगे फ्रॉम ब्रिकाबाद से तो 2,000 की मिलेगी।
ये ब्रिकाबाद नाम से ही ब्रिक से लग रहा है, तो यहाँ की शायद ब्रिक मजबूत हो, तो ये मिलेंगी 2000 की मिलेंगी। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन ने क्या डिसाइड किया कि वो न्यू ब्रिक्स कहाँ से लेगा? ब्रिकाबाद से लेगा। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। उसने कितने ब्रिक्स खरीदी? 3000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड ही पे? उसने कितना पे किया? तो अगर उसे 1000 ब्रिक्स 2000 की मिलती है, तो उसने 3000 उसने खरीदनी है, तो उसे कितने कितने के मिले? 6000 रुपीस की, राइट? गेस व्हाट ही विल पे इफ ही गेट्स 500 ओल्ड ब्रिक। तो बताइए कि अगर गैस वो 500 ओल्ड ब्रिक ले लेता है, तो उसको कितने की पड़ेंगी? तो 1200 के आधे किए जाएं तो पड़ जाएंगी उसे 600 रुपीस की, राइट? डू दिस विदाउट राइटिंग। जी बच्चों, आपको बिना लिखे करना है, मतलब आपको ओरली करना है। तो बच्चों, मैंने ये चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक आज कंप्लीट कर दिया है, और इसके पिछले पार्ट देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक देख लीजिए। मैंने ये तीन पार्ट में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।